हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए बीजेपी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश बताया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को इस मामले पर प्रेस वार्ता की और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस और विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस वाले टूल किट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव में हारने के बाद अब कांग्रेस पार्टी देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये रिपोर्ट भारतीय शेयर बाजार को हिलाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि ये रिपोर्ट शनिवार को आई है, जिसके बाद सोमवार को बाजार खुलते ही इसका असर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि आरोपों का जवाब सेबी प्रमुख ने दे दिया है, लेकिन हिंडनबर्ग वाले भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। इसको लेकर हिंडनबर्ग को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन इस नोटिस का जवाब देने के बजाय हिंडनबर्ग ने फिर से आधारहीन आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मूडीज, क्या अदर्स, सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है। भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल FII FDI आए हैं। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। इंडिया इज ए सेफ, स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर्स एज वेल। सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले, और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। अब मैं एनआरकी के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनआरकी के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है उसकी डेट, आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी या कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवीन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बकायदे, वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है,
जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, मैं कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है।